नमस्कार दोस्तों। दोस्तों देश में एनडीए की सरकार बन गई, शपथ ग्रहण हो गया, मंत्रालय बट गए, लेकिन जिस एनडीए के दम पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, जिस एनडीए के दम पर वो अपनी सरकार चला रहे हैं, उसी एनडीए के तमाम घटक दलों में झगड़ा शुरू हो गया है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक और बिहार से लेकर झारखंड तक, जहां देखिए वहां एनडीए के दलों में नाराजगी है, गुस्सा है। राज्यवार अगर हम आपसे बात करें तो सबसे ज्यादा नाराजगी अगर कहीं देखने को मिल रही है तो वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में नाराजगी कुछ इस कदर है कि अब वो खुलकर बयानों में भी सामने आने लगी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि हमारा सबसे ज्यादा नुकसान 400 पार के नारे ने कर दिया। अब 400 पार का नारा किसने दिया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये कहा था कि 400 सीटें एनडीए जीतेगा, संसद में खड़े होकर भी कहा और चुनावी रैलियों में भी कहा। और इसके बाद कुछ बयान आए संविधान को बदलने वाले, चाहे लल्लू सिंह का बयान हो, चाहे राजस्थान से आया हुआ बयान हो, राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बयान हो, ज्योति मिर्धा का बयान हो, या फिर इन सब के अलावा अनंत हेगड़े का बयान हो। दोस्तों इन तमाम बयानों ने देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की और उसी की तरफ अब एकनाथ शिंदे इशारा कर रहे हैं कि 400 पार के नारे की वजह से हमारा नुकसान हो गया। लेकिन सिर्फ इतना कहा होता तो बात समझ में आती थी। एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता श्रीरंग बारणे, जो चीफ व्हिप भी हैं शिवसेना शिंदे गुट के, उनका कहना है कि हमारी पार्टी के 7 सांसद चुनाव जीते हैं, इसके बावजूद हमको कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिला। इसके पक्ष में वो ये तर्क देते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी में 5 सांसद हैं, उनको कैबिनेट मंत्री का पद मिला। जेडीएस के पास 2 सांसद हैं, उनको कैबिनेट मंत्री का पद मिला, लेकिन हमें कैबिनेट मंत्री का पद नहीं दिया गया। यानी एनडीए में शामिल शिवसेना शिंदे गुट अपनी नाराजगी जताना शुरू कर चुका है। एनडीए में एक और दल शामिल है महाराष्ट्र में, वो है आरपीआई, रामदास अठावले की पार्टी। रामदास अठावले को राज्य मंत्री की शपथ दिला दी गई, लेकिन अठावले का ये कहना है कि चुनाव से पहले उनसे कहा गया था कि आप किसी सीट पर प्रत्याशी मत उतारिए, तो उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारे। लेकिन इसके बदले में देवेंद्र फडणवीस ने यह वादा किया था कि कैबिनेट मंत्री का पद आपको केंद्र सरकार में मिलेगा, इस बार वो नहीं मिला। और रामदास अठावले की जो चुप्पी है राज्य मंत्री बनने के बाद, वो बहुत कुछ इशारा कर रही है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर के महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होना है। और जब बात विधानसभा चुनाव की आप करेंगे, जो सितंबर अक्टूबर तक होना है, तब 2 और पार्टियां, पहली अजीत पवार की पार्टी यानी एनसीपी अजीत पवार, और दूसरी राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, दोनों एनडीए का हिस्सा है। अब अजीत पवार की पत्नी चुनाव हार गई, सुनेत्रा पवार, तो अजीत पवार ने उनको राज्यसभा भेज दिया, उन्होंने नामांकन कर दिया, अब वो राज्यसभा जाएंगी। यानी कि अजीत पवार ने राज्यसभा में भी अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश नरेंद्र मोदी को की है। उनकी पार्टी से प्रफुल्ल पटेल चुनाव जीते हैं, लेकिन अजीत पवार का ये कहना था कि प्रफुल्ल पटेल को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, बीजेपी राज्य मंत्री बना रही थी तो उन्होंने शपथ नहीं दिलाई। उन्होंने कहा कि हमें कैबिनेट से कम कुछ मंजूर नहीं है। और फिर अब अजीत पवार ये कह रहे हैं कि उनके चाचा जो हैं शरद पवार, उनकी विचारधारा ठीक है, उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया। यानी अजीत पवार के सुर बदल गए हैं। और इतना ही नहीं, अजीत पवार कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में 70 से 80 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अब महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विरोध अभी से शुरू हो गया है। लेकिन अजीत पवार, शिंदे, अठावले तो विरोध कर ही रहे थे, अब एक और नया नाम आ गया, वो नाम राज ठाकरे का है। राज ठाकरे एनडीए में शामिल हैं, उन्होंने ये मांग रख दी है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में वो 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की टेंशन को कम नहीं कर पा रही और महाराष्ट्र से परेशानियां खड़ी होनी शुरू हो गई हैं। बात सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं थमती दोस्तों, बिहार चल दिए, बिहार में क्या हो रहा है? नीतीश कुमार आंध्र प्रदेश और ओडिशा दोनों जगह शपथ ग्रहण के समारोह में शामिल नहीं हुए, जबकि एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उनके नेता शामिल हुए। नीतीश कुमार ने दूरी बनाई। अब लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर नीतीश कुमार
जो जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया उस दिन तो शान में कसीदे पढ़ रहे थे, और अचानक ऐसा क्या हुआ? दरअसल खबर यह है कि नीतीश कुमार मंत्रालय मिलने, जो मंत्रालय दिए गए हैं जेडीयू कोटे में, उनसे नाराज हैं। जेडीयू कोटे से ललन सिंह को कैबिनेट में लिया गया है और रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री बनाया गया है, लेकिन जो डिपार्टमेंट्स मिले हैं उससे नीतीश नाराज हैं। दूसरा, नाराजगी की खबरें उनकी ये भी हैं कि उनको स्पीकर का पद चाहिए, वो बीजेपी नहीं देना चाहती। हालांकि स्पीकर का पद टीडीपी को भी चाहिए, उनको भी नहीं मिल रहा, वो भी नाराज हो गए हैं। और दोस्तों, बिहार के पास का राज्य है झारखंड। झारखंड की एक सीट है गिरिडीह। गिरिडीह की सीट पर आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी दूसरी बार सांसद बने हैं। आजसू के नेता सुदेश महतो ने चुप्पी साध रखी है। चंद्र प्रकाश चौधरी को मोदी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, यानी झारखंड में आजसू नाराज है। और यहाँ पर एक बात और समझिए दोस्तों, कि झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव होना है। लोकसभा में भले ही सुदेश महतो उतने मजबूत ना हो, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो सुदेश महतो की पार्टी का जनाधार झारखंड में बेहद मजबूत है। अब दोस्तों, यहाँ तक तो बात हो गई तमाम राज्यों की, और अब सबसे महत्वपूर्ण राज्य, क्या वहाँ भी नाराजगी है? उत्तर प्रदेश में नाराजगी का आलम बाकी राज्यों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा है। एक सिर फुटव्वल तो आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? 5 से 6 दिन हो गए केशव मौर्य लखनऊ नहीं लौटे, दिल्ली में डेरा डाले हैं। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद दोनों की पार्टी से भले ही सांसद नहीं जीते, लेकिन नाराज वो भी हैं। अनुप्रिया पटेल मंत्रालय को लेकर नाराज चल रही हैं। जयंत चौधरी भी मंत्रालय से खुश नहीं है, जो चाहते थे वो नहीं मिला, और इससे खुश नहीं थे दूसरा, संगीत सोम ने धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी, तो वो भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। यानी चारों सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आते हैं। अब एक और डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ, जितिन प्रसाद ने पीडब्ल्यूडी मंत्री से इस्तीफा दिया क्योंकि वो केंद्र में मंत्री बन गए। अब सारी दौड़ पीडब्ल्यूडी के लिए है। बीजेपी में खुद 6 से 7 नाम है जो पीडब्ल्यूडी मंत्री बनना चाहते हैं, और राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया, जयंत चौधरी, ये सब चाहते हैं कि पीडब्ल्यूडी हमारे कोटे में आ जाए। राजभर का कहना है कि हमने 2 सीटें मांगी थी, 1 सीट मिली है, तो अब कम से कम पीडब्ल्यूडी दे दो। संजय निषाद भी पीडब्ल्यूडी चाहते हैं। यानी कि एक विभाग के लिए सारे सहयोगी दलों में खींचतान शुरू हो गई है। दूसरा, भाजपा को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो इतनी कम सीटें जीत करके आई है, 33 सीटों पर जीत मिली है, वो किस पर कार्रवाई करे, किसको हटाए, किसको रखे, ज़्यादातर सीटों पर तो हार मिल गई। भूपेन चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हार मिली है, वो खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री बनना चाह रहे हैं। यानी यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, आप जहां कहीं भी देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बेचैनी बढ़ाने के लिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की परेशानी बढ़ाने के लिए एनडीए के तमाम दल जुट गए हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी किस तरह एनडीए की सरकार चलाएंगे, ये बड़ी बात है, क्योंकि 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उनकी कही हुई बात पत्थर की लकीर होती थी, लेकिन अब तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, अब तो विरोध में आवाज़ें उठने लगी हैं। और मुसीबत देखिए कि नरेंद्र मोदी मोदी सरकार भी अपने मुंह से नहीं कह पा रहे हैं, बार बार वो एनडीए सरकार उनको कहना पड़ रहा है। और इधर एनडीए के सहयोगी दल हैं जो मांग पे मांग करते जा रहे हैं, नाराज हुए जा रहे हैं, मुँह फुला रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी कैसे इन सभी दलों को साध कर सरकारें चलाएंगे, और दिल्ली में साध लेंगे तो राज्यों में कैसे साधेंगे, लोकसभा में साध ले जाएंगे तो विधानसभा के चुनाव में कैसे साधेंगे? ये नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए और बीजेपी के लिए एक ऐसी परेशानी बन गई है जिसकी कोई काट फिलहाल बीजेपी के पास नज़र नहीं आती।